दिल्ली के बुराड़ी स्थित नालंदा स्कूल में कल्चरल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए और पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में खेल, ड्राइंग और शिक्षा आदि में पोजीशन पाने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर बच्चों ने गीत संगीत व नाटक का भी मंचन किया। इस कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। ये नन्हे नन्हे बच्चे बुराड़ी के नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आज ये अपने स्कूल का कल्चरल फंक्शन मना रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों ने रंगारंग ग्रुप डांस, सोलो डांस और अन्य प्रतिभाओं से सभी की तालियां बटोरी। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए नॉर्थ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सीपी ओस्टा भी इस कार्यक्रम में पहुंची, जिन्होंने बच्चों के इस रंगारंग कार्यक्रम और स्कूल की तारीफ की। स्कूल भी इस कल्चरल फंक्शन में काफी खुशी महसूस कर रहा था। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम भी कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। जिन स्टूडेंट्स को पोजीशन चाहे न मिली हो, पर कार्यक्रम में शामिल होकर सभी स्टूडेंट्स ने खुशी मनाई और स्कूल सभी स्टूडेंट्स को क्रिसमस और नववर्ष की बधाई दी। ये बच्चे जो है ना, हर साल जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, लेकिन हमारा जो है ना प्रोग्राम नहीं होता था और पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती थी, जी आप इनाम तो देते नहीं है, हमें बुलाते तो है नहीं, और जो है ना बस फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज हमने प्रोग्राम बनाया कि आप जो है पेरेंट्स से कहा कि हमें भी बुलाइए और उनके साथ हमें भी, इसलिए हमने पेरेंट्स को बुलाया और बच्चों के साथ उनको जो है ना हौसला अफजाई के लिए यहाँ स्कूल में बुलाया। पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके के कार्यक्रम, हाँ पढ़ाई के जो हुनर होता है उसको निखारने में कितना, हाँ ये कल्चरल प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए, वैसे तो होते ही रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि हमेशा होता रहता है और ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आपने बताया कि पेरेंट्स की डिमांड पर इस बार बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया गया है, पुरस्कार दिया गया, क्या ये हर साल आगे कार्यक्रम चलने वाला? हाँ बिल्कुल सोचेंगे, हर साल जो है ना ये हम पेरेंट्स को बुलाएं और उनको सामने ही बच्चों को प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। ठीक, थैंक यू। एक्चुअली आज हमारे स्कूल में क्रिसमस डे एंड देन हैप्पी नए साल के लिए सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है अपने प्रोग्राम। हमारे गेस्ट हैं जो हमारे जोन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के जो हैं, वो अभी गेस्ट अभी फ़िलहाल अभी आए नहीं हैं, लेकिन वो आएंगे और बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा हमने। जो हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, विनिंग स्टूडेंट्स हैं एंड फॉर ऑल द फॉर ड्राइंग कंपटिशन एंड एसे राइटिंग एंड डांस ऑल्सो वी आर गोइंग ऑन लास्ट ईयर, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स एंड मेक होपफुल मे एंजॉय द प्रोग्राम फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आज जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेशल पेरेंट्स के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर के जो बच्चे पोजीशन होल्डर थे, हमने उनको और उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ स्कूल में हाउस सिस्टम चलता है, उसमें हमने क्यूज कंपटीशन रखा था दिवाली पर, डांस कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, लेटर राइटिंग कंपटीशन, उन बच्चों को हमने अवॉर्डेड किया है, पेरेंट्स को बुलाया है, बच्चों को अवॉर्डेड किया है। ज़रूरी होता है बच्चों को एक एकेडमी के साथ साथ ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एकेडमिक के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आज से 2 या 3 दिन के बाद हम लोग स्पोर्ट्स डे बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। आज की कल्चर प्रोग्राम है जिसमें हम सामाजिक रूप से, सोशल रूप से इनका डेवलपमेंट करते हैं। हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। तो आज जैसे क्रिश्चियंस का जो कल 25 दिसंबर था, क्रिश्चियंस का ये फेस्टिवल था, वो हमने आज सेलिब्रेट करा है। न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जो भी प्रोग्राम आते हैं टाइम टू टाइम बच्चों के साथ साथ हम भी सब सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा पहले से, क्योंकि ये विद्यालय हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का विद्यालय है और काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय है, और यहाँ पर मैं जब भी आई हूँ कई बार इंस्पेक्शन किया हूँ, तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन उसको तो खड़े उतरता ही है। इसके अलावा भी यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे, इवन क्लास 12 के पिछले 2 सालों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और उनको स्कॉलरशिप भी मिले। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस स्कूल, स्पेशली रिस्पॉन्स फैमिली मिस्टर, ये लोग
अपना स्कूल अच्छे तरीके से नियमों के अनुसार।